डिटरमिनर्स देख रहे थे, डिटरमिनर्स में आज हम लोग देखेंगे सम और एनी। सम और एनी सबसे इम्पोर्टेंट है हम लोग के जो डेली रूटीन होता है, वो डेली रूटीन में भी कई बार इसका यूज़ हम लोग करते हैं। सम का भी मतलब कुछ होता है, एनी का भी मतलब कुछ होता है, कोई कुछ जिसके बारे में बोलते हैं। अब होता क्या है, एन अननोन एंड इनडेफिनेट नंबर और क्वांटिटी। अननोन का मतलब क्या है, अज्ञात। इनडेफिनेट का मतलब क्या है कि जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं होती। इनडेफिनेट नाउन, इनडेफिनेट प्रोनाउन हम लोगों ने देखा था, इनडेफिनेट प्रोनाउन देखा था हमने। अज्ञात अनिश्चित संख्या या मात्रा के पहले। अब अज्ञात या अनिश्चित संख्या कैसे हो गई, सम एनी, दोनों ही अज्ञात अनिश्चित संख्या है। देखो यहाँ पे दोनों ही कैसे हो जाएगा, हम लोग बोलते हैं कोई, हम लोग बोलते हैं कुछ। कोई या कुछ का मतलब क्या हो गया कि जिसके बारे में हमको कॉन्क्रीट जानकारी नहीं है, जिसके बारे में हमको क्या है, निश्चित जानकारी नहीं है। अब कैसे, हम किसी ने हमारे डोरबेल बजाई, डोरबेल बजाने के बाद हमने गेट खोला, गेट खोलने के बाद हम लोग अंदर आके क्या बोलते हैं मम्मी को या पापा को कि कोई आया है। कोई आया है का मतलब क्या हो गया कि हम उस इंसान को क्या है, जानते नहीं है। समवन इज एट द डोर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, सम आया, समवन इज एट द डोर। अगर हम उनको जानते तो क्या बोलते हैं, मिस्टर शर्मा इज एट द डोर, मिस्टर शर्मा है दरवाजे पे, मिस्टर वर्मा इज एट द डोर, अंकल जी इज एट द डोर, अरे अंकल जी आए, या अवर नेबर इज एट द डोर, अगर हमको उनका नाम नहीं पता था। अगर हम लोगों को जानकारी है कि वो इंसान कौन है तो क्या करेंगे, हम लोग उसका नाम यूज़ करेंगे या कोई पर्टिकुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे। लेकिन हमको जानकारी नहीं है तो वो हमारे लिए क्या हो गए, अननोन हो गए। तो अननोन हो गए तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सम यूज़ करेंगे। इज एनीबडी एट द डोर, क्या कोई दरवाजे पे है, अंदर से अगर कोई पूछेगा, रिंग बेल बजी है तो क्या बोलेगा, एनीबडी इज एट द डोर या समवन इज एट द डोर, कि कोई दरवाजे पे खड़ा है। इसी तरीके से क्या हो गया, आई नीड सम सॉल्ट, आई नीड सम वाटर, आई नीड सम मिल्क। सम का मिल्क, सम वाटर, सम सॉल्ट का मतलब क्या हो गया कि कुछ नमक चाहिए, कुछ पानी चाहिए, कुछ दूध चाहिए, ठीक है। उसके आगे क्या आ रहा है, पर्टिकुलर क्वांटिटी नहीं आ रही कि एक लीटर दूध चाहिए, एक किलो नमक चाहिए, एक लीटर पानी चाहिए। अगर वैसा बोलेंगे तो वो क्या हो गया, डेफिनेट नंबर हो गया, ठीक है, डेफिनेट प्रोनाउन हो गया, डेफिनेट नाउन हो गया। लेकिन यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, इनडेफिनेट के बारे में बात कर। तो जब भी इनडेफिनेट नाउन के बारे में हम बात करते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में बात करते हैं, तो उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, सम और एनी। सम और एनी दोनों किसके साथ यूज़ होते हैं, बिफोर अनकाउंटेबल, काउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, सबके साथ इसका प्रयोग होता है, ठीक है। दोनों के बीच में ये बात पता चल गई, मतलब दोनों के बीच में ये चीज़ क्या है, कॉमन है दोनों। अब डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, डिफरेंस यहाँ से आ रहा है, सम से हमको क्या मिलता है, अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। वहीं एनी के बारे में हम लोगों को क्या पता चलता है, जहाँ पे इंट्रोगेटिव होता है या जहाँ पे नेगेटिव सेंस होता है वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एनी का यूज़ करते हैं। देखो, देर इज़ सम मिल्क ऑन द रोड, अरे रोड पर कुछ दूध है, ठीक है। आई डिड नॉट डू एनी वर्क, मैं कोई काम नहीं करता हूँ, नेगेटिव। यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, आई बात सुन। तो ये सम का यूज़ करते हैं हम किसके साथ, पॉजिटिव, और सिर्फ पॉजिटिव के साथ। एनी का यूज़ करते हैं हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के साथ। दूसरा है यहाँ पे, सम यूज इन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस फॉर कमांड एंड रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, सेंटेंसेस हम लोगों ने देखे थे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इस तरीके से हम लोगों ने सेंटेंसेस देखे थे। तो उसमें जो ये टाइप है हमारा, इम्पेरेटिव टाइप है। इम्पेरेटिव टाइप में क्या होता है, या तो हम लोग किसी से क्या करते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, या फिर हम लोग उसको क्या देते हैं, कमांड देते हैं, निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं, तो वो क्या होते हैं हमारे, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, सम का यूज़ हम लोग करते हैं। ये व्हाई डोंट यू गिव हिम सम ऑरेंज, ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विल यू स्पेयर सम टाइम फॉर मी, अब रिक्वेस्ट कर रहे हो कि क्या तुम कुछ समय मेरे साथ बिताओगे। सम यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस व्हेन इट यूज्ड फॉर इनविटेशन, जब इनविटेशन, आमंत्रण होता है,
ठीक है, तब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्वेश्चन मार्क है लेकिन उसमें क्या है, आमंत्रण है। व्हाई डोंट यू गिव हिम, विल यू प्लीज विजिट अस समडे, क्या तुम कभी हमारे घर पे आओगे, निमंत्रण दे रहे हो। व्हाई डोंट यू गिव हिम सम ऑरेंज, तुम उसको कुछ ऑरेंज क्यों नहीं देते। तो ये सारे सेंटेंसेस किसके हो गए, ये सारे सेंटेंसेस सम के हो गए। अब एनी में क्या बोल रहे हैं, एनी यूज फॉर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, पहला क्या हो गया तुम्हारा, इंट्रोगेटिव हो गया। आई डिड नॉट डू एनी वर्क, हैव यू एनी बुक, क्या तुम्हारे पास कोई पुस्तक है। अब कोई क्या है, कोई मतलब हमको पता नहीं है कि वो क्या मांग रहा है, वो फिक्शन मांग रहा है, वो ड्रामा मांग रहा है, वो पोएट्री मांग रहा है, वो एकेडमिक्स की बुक मांग रहा है, ठीक है, या वो स्टोरीज की बुक मांग रहा है, हमको पता नहीं है। उसने क्या मांगा, अनिश्चित, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है, क्या कोई धार्मिक किताब मांग रहा है। तो इसलिए जो है क्या आया हमारा, एनी आया। Use any after, if, whether, hardly, scarcely, never, rarely, seldom, deny, fail, forbid, prohibit, impossible, unlikely or barely। इन सारे शब्दों के साथ क्या होता है, एनी का यूज़ होता है। जब कभी भी ये शब्द आए मतलब एनी का यूज़ होगा। He has hardly any money। ये सारे शब्द क्या हैं, ये सारे शब्द नकारात्मक शब्द हैं। ये सारे शब्द क्या मीनिंग देते हैं हमको, हम लोगों को नेगेटिव मीनिंग देते हैं। इसलिए इनके साथ क्या आएगा, हमेशा एनी ही आएगा। एनी यूज्ड फॉर वन ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स और पीपल इन अफर्मेटिव सेंटेंस। टेक एनी बुक यू लाइक, कि जो आपको नंबर दे रखा है उसमें से एक, कहने का मतलब क्या है, सकारात्मक वाक्यों में वस्तु या व्यक्तियों में से कोई एक आपको जब चॉइस दी जाए, जब आपको ऑप्शन दिया जाए, तो उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, उसके साथ हम लोग एनी का यूज़ करेंगे। टेक एनी बुक यू लाइक के, इसमें से कोई एक पुस्तक तुम ले सकते हो। ठीक है, तो ये पूरा सम और एनी का डिफरेंस है, कहाँ सम यूज़ होता है, कहाँ एनी यूज़ होता है।